तो उत्तराखंड में ऑक्सीजन की जो पहली एक्सप्रेस है वो पहुंच गई है। टाटानगर से देहरादून पहुंची है 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचने की वजह से अब उन मरीजों को राहत मिलेगी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्रेन का स्वागत किया है और सभी अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से यह ऑक्सीजन भेजी जाएगी ताकि उन मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। उत्तराखंड को 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन हुआ है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत नज़र आ रही है अब वो दूर हो जाएगी और 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जो पहली खेप है, जो पहली एक्सप्रेस है, वो पहुंच चुकी है। अब उन मरीजों को राहत मिलेगी क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही थी। जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो खामियां उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोविड मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी सामने ना आए। हालांकि कई जिलों से कोरोना के ग्राफ कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जिलों से कोरोना के ग्राफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। लेकिन सरकार की तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं उससे लोगों को राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि कोई कमी ना रह जाए, कोई खामी ना रह जाए और पूरे इंतज़ाम जो है वो देखे जा रहे हैं कि दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस पूरी जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और किस तरह के इंतज़ाम है इस पर भी नज़र बनाए हुए हैं, जिससे कि जो कमी नज़र आ रही है उसको पूरी तरीके से दूर किया जा सके। लगातार वो आला अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, आला अधिकारियों से बैठक भी कर रहे हैं, कोरोना की स्थिति पर भी पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम है और क्या कुछ कमी है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कोविड मरीजों की डेथ रेशियो जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रिकवरी रेट भी देखने को मिल रहा है। तो जहाँ एक तरफ अच्छी खबर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बुरी खबर भी सामने आ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ये बार बार कहना है कि इसमें हमें हिम्मत नहीं हारना है और हमें डटकर लड़ाई लड़नी है और हमें कोरोना से जंग जीतना है, इसीलिए हमें धैर्य के साथ ही काम करना होगा। दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे, गढ़वाल मंडल के अंदर भी और टेरी में भी एक अपना स्टोरेज है, वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली प्रकाशी साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट, तो उसमें ये स्टोरेज होगा, जाएगा लिंडे वाले समय पर आए। और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी और ये लगातार लगातार बना रहेगा। आज यहाँ पे फिर पुनः जब जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ से ट्रेन फिर बदल लेके चलेगी। देखिए पूरी तरह से, चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो, पूरी तरह जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन हो रहा है। और चाहे डिस्टेंस के मामले में हो, चाहे मास्क हो, मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूँ जनता से, इसका ज़रूर ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें और वो भी स्वस्थ रखें, मास्क अवश्य पहने और साथ में डिस्टेंस बना के भी हम लोगों को रहना चाहिए। वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में हम लोग 1845 वर्ष की आयु के नौजवानों को लगाना शुरू किया है और मैंने कहा कि उसका भार स्वयं हम लोग खर्चा उठा रहे हैं,